अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, ये मेरे पास अरबी है जो कि तकरीबन आधा किलोग्राम है। इसको हम छील लेंगे, ठीक है? ये मैं कल लेकर आई थी, तो बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको मैं आज बना रही हूँ। इसको हम छील लेंगे पहले। अच्छा जी, इसको ना छीलते वक्त अक्सर लोगों को ये होता है, बल्कि मुझे भी होता है, कि हाथों में खुजली होना शुरू हो जाती है। तो खुजली से बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अब आपकी अरबी जो है ये भी खुश्क होनी चाहिए और आपके हाथ भी खुश्क हों, ठीक है? ये करना है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप हाथों पर सरसों का तेल और छुरी के ऊपर भी सरसों का तेल अप्लाई करके तो आप इसको छील सकते हैं, फिर भी जो हाथों की खुजली है वो कम हो जाती है, ठीक है? कम क्या होगी, बल्कि होगी नहीं। तो इस तरह हमने इसको यूँ यूँ करके सारी छील लेनी है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हो जाता है जल्दी। अच्छा जी, ये हमने अरबी अपनी छीली हुई, अब हम इसको काटेंगे। डिफरेंट स्टाइल में काटते हैं, कुछ तो गोल भी काटते हैं, तो मैं इसको लंबाई के रुख में काटूंगी, यानी कि ये मैं एक पकड़ूंगी, तो इस तरह करके आप यूँ यूँ करके इसको काट सकते हैं। मतलब इसको गोल नहीं काटना, वरना वरना ये पकाते हुए ना मिक्स हो जाती है। इस तरह से हम इसे काट लेंगे, ये चार टुकड़ों में, लेकिन लंबाई के रुख में करना है। अभी मैं इसको धोया नहीं है, काटने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। ये देखें, हाथों पे भी और ये इसके ऊपर भी चिपका हुआ है सारा। जी जनाब, तो ये मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम अरबी बना रहे हैं रवायती स्टाइल से हटकर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें फ्राई है। इसमें ये तीखी वाली भी है, ये जो पतली वाली है, तीखी है, और जो तीखी नहीं होती वो भी हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। इनको मैंने कट लगा लिया था, कट ना लगा हो तो फिर ये लोग उछलते हैं, इसलिए मैं इसको कट दे दिया था। इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, मिर्ची फ्राई हो रही है। ये देखिए, मेरे हाथों पे खुजली हो रही है, मैंने तेल नहीं अप्लाई किया है। ये तो मिर्ची फ्राई हो गई है, इनको निकाल लेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अब हमने फ्राई करना है अरबी को। ये देखें, इसको मैंने धो लिया था, अभी खुश्क नहीं हुई है। बहरहाल मैं इसको फ्राई कर लूँगी। लेकिन अरबी हमारी अच्छे तरीके से गोल्डन हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने बाद में इसको कुक भी करना है, तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेंगे लैदा प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम सारी अपनी अरबी निकाल लेंगे। जी जनाब, तो अब हमने बनाना है इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए इसी तेल के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा है, ये सफ़ेद वाला, ये हम डाल के थोड़ा सा भूनेंगे ताकि खुश्क होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा करेंगे। जी, तो ज़ीरा हमारा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो एक ये मीडियम साइज़ की अनियन थी, मैंने इसको मोटा रफली चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इसको भी गोल्डन नहीं करना है, मतलब बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का पिंकिश करना है हमने, ठीक है? ताकि ट्रांसल्यूसेंट सॉफ्ट हो जाए मीडियम फ्लेम के ऊपर। जी जनाब, तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक खाने वाला, चम्मच भर कर, ठीक है? पेस्ट बनाया था मैंने, इसको मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी बहुत ही भूनेंगे, वरना अरोमा चला जाता है चीज़ों का। बस जल्दी जल्दी इसको तेल में ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अनियन के साथ हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाली हूँ टमाटो। ये दो अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने काट लिया था, बहुत छोटा और बड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से काट के इनको भी मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से ये भी सॉफ्ट हो जाए मसाले के साथ। टमाटर डालने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएँ। ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें पाउडर मसाला। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी, तो ये इतनी सी जाएगी, ठीक है? तो ये काफ़ी रहेगी। अब क्योंकि ये हम सब्ज़ मिर्च के साथ बना रहे हैं, तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आएगी, यानी पेपरिका, सिर्फ कलर लाने के लिए। तीखी वाला लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना, वरना ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। और साथ टेस्ट के मुताबिक जाएगा नमक। तो ये मैंने ये वाले 2 चम्मच दिए थे, तो कम हुआ तो मैं बाद में ज़्यादा डाल दूँगी, ऑप्शन होती है। इस सब चीज़ों को डाल के हमने कर लेना है मिक्स। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अभी टमाटर थोड़े से इसमें साबुत हैं, तो पानी डाल के थोड़ा सा इसको दम दे देंगे, इतना सा पानी ठीक रहेगा। इसको मिक्स करके ढक्कन से कर देंगे कवर। जी जनाब, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मसाला हमारा हुआ जाता है तैयार। तो ढक्कन उठाएंगे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने अच्छे से हमारे सारे टमाटर जो हैं वो फिस चुके हैं, यानी कि गल गए हैं, ठीक है? ये देखें,
अभी हमने करना है क्या कि अपनी जो फ्राइड अरबी थी वो इसमें डालेंगे। चलेंगे बिस्मिल्लाह, ये देखें सारी अरबी हमने फ्राई की हुई थी, इसको इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ जाएगी फ्राइड हमारी सब्ज़ मिर्ची, ये देखें कितनी अच्छी दिख रही है ना, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग लुक आ रही है। इनको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके दोबारा इसको रखेंगे दम पे 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन, तो दम पे कुक करना है अब हमने, ठीक है। नेवी मसाला अरबी हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है, इसका ढक्कन उठा के चेक करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, एंड में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू कायम रहे। इसको करेंगे मिक्स। अभी अरबी को मैंने चेक किया था, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थी, तो मैं धीमी आंच पे दोबारा कवर करके रखूँ। ये मैंने कवर कर दिया, मज़ीद 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको कुक करेंगे, उसके बाद अरबी हमारी तैयार है। लें जी हमारी मज़ेदार सी मसाला अरबी हो गई है तैयार। ये देखिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।